जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में रिज्यूम बनाना सीखेंगे और वो भी इंतहा सिंपल तरीके से। हमारे पास एमएस ऑफिस है और ऑफिस में जितनी आप सिंपल सीवी बनाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होता है, नंबर एक। सेकेंडली, इसके ऊपर आपको इतने फूल बूटे नहीं लगाने होते या इतनी भी सिंपल नहीं बना देनी होती कि वो चार लफ्ज़ लिखे और अगला कहे यार ये क्या है, मतलब ये रिज्यूम तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना रिज्यूम दिखा देता हूँ। ये मेरा रिज्यूम है और इसमें मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं वो हैं यहाँ पर, और उसके बाद मेरा एजुकेशन है, उसके बाद मेरे स्किल्स हैं, उसके बाद मेरी सर्टिफिकेशन हैं, पब्लिकेशन हैं और मेरे एक्स्ट्रा स्किल्स हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपने इस पेज को जिसको हमने बनाना है, ऑब्वियसली हमने कहा था कि हम उसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे सबसे पहले, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट से है वो किसी जगह पर सेव हो जाए। ऐसा ना हो, अभी हम इसको फ़िलहाल डेस्कटॉप ही कर देते हैं और डेस्कटॉप पर इसको नाम रख देते हैं टेस्ट सीवी के नाम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद हम पेज का बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे और एक इसको हम बॉर्डर लगा देंगे, एक नॉर्मल बॉर्डर। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर अब आजकल जैसे आप देखते हैं कि पिक्चर्स वाली जो है वो मोस्टली सीवीज आ रही हैं, ऊपर सीवी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप दे रहे हैं तो उनको पता है ये सीवी है। आप यहाँ पर अपना नाम लिखें या सबसे पहले आप अपने इंसर्ट कर लें पिक्चर, पिक्चर इंसर्ट कर लें वो ज़रा बेस्ट रहेगी। अगर आपके पास पड़ी भी है, अब मेरे पास तो यहाँ पर पड़ी हुई हैं पिक्चर्स, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। चैनल्स में मेरे पास ये पिक्चर बनी पड़ी है, यहाँ से मैं कोई रीज़नेबल पिक्चर उठा लेता हूँ। आप भी इसी तरह, लेट्स सपोज मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। आप सम टाइम ऐसे होता है कि वीडियो में कुछ चीज़ें बोल नहीं पाता लेकिन वो मैं कर रहा होता हूँ, तो अगर आप उनको भी देख लें कि ये किस तरह की जा रही हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। पिक्चर आप राइट साइड पे लगा देंगे, लेफ्ट साइड पे लगा दें, लेफ्ट पे हम इसलिए नहीं लगाते, वैसे मैंने लगाई भी है क्योंकि वो ज़रा स्टेपल होती है इसलिए। तो अगर आप यहाँ पर भी लगाना चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इस पिक्चर को हम थोड़ा सा क्रॉप करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा ऑकवर्ड सी लग रही है। ये आपकी पिक्चर आ गई, आप इसको यहाँ पर बड़ा करके कॉर्नर पर रख सकते हैं। इसके आगे आप यहाँ पर अपना नाम लिखें, मोहम्मद। अब इसको आप जिस तरह का मर्जी, फॉन्ट जो है वो टाइम न्यू रोमन ही चलता है हमारे पास और हम उसी को ही चलाएंगे। इसका कलर जो है, अगर आपने कलरफुल बनानी है तो मैंने जब चूँकि कलरफुल बनाई हुई है इसलिए मैं इसको कलर ही रखता हूँ। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है जी। कुछ चीज़ें मैं सिर्फ यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर ये फिट आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं अब हो रहा है क्या चीज़ चाहिए, हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम यहीं पर लिख देते हैं मोबाइल नंबर। अब बाकी जो हमारी सारा रिज्यूम होगा वो, एक तो उसका फॉन्ट हम रखेंगे इतना जितना वो नॉर्मल होगा, बोल्ड भी नहीं करेंगे उसको, और उसका कलर हम नॉर्मली ब्लैक रखेंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं +92 +92344677888। अब यहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप की पिक्चर लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा मतलब यू नो थोड़ा सा स्टाइलिश करने के लिए, तो आप यहाँ पर देख लें अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है। वैसे तो मैं आईफोन डाउनलोड करके रखता हूँ लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पास डाउनलोड आईकॉन नहीं पड़ा हुआ। इट्स ओके, मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करके और इसको यहाँ पर ला के पेस्ट कर देते हैं। आप ये नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये कोई इतना वो नहीं है। अब ये मेरा जो है वो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर। आप दूसरा भी देना चाहते हैं तो +92 3, मैं दूसरा यही लिख देता हूँ, इट्स मीन ये सिंपल है और दूसरा व्हाट्सएप वाला है। अब इसको मैं थोड़ा सा
मर्ज कर देता हूँ आपस में, कि ये ज़्यादा खुला खुला ना लगे, इसको इतना रखते हैं। वैसे मोस्टली जो राइटिंग होती है, मैं जो प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ 12th के ऊपर, इससे भी आपका ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें चले जाए कि आप इतना बड़ा बड़ा लिख दें उसको। ये व्हाट्सएप के आइकन बनाने का मकसद ये है कि ये वाला मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है और वो दूसरा दूसरे पर है। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस लिख दें, ईमेल यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिख दें, और उसके बाद आप यहाँ पर अगर होम एड्रेस लिखना चाहते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, न्यू समना समनाबाद एल लाहौर। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये दो कॉलम अब आपने बनाने हैं। हमारे यहाँ एक समरी चल रही होती है, वो एक रेगुलर एक हमारे पास समरी पड़ी होती है, वो उठा के हर एक के ऊपर लगा देते हैं। आप काइंडली ये ना कीजिए, आप समरी ऐसी लगाएं कि जो आपको लगता है कि ये समरी जो है वो मेरे साथ सूट करती है। यहाँ पर अब मैंने एक कॉलम उठाया, उसके मैंने दो बॉक्सेस बनाए, और अब यहाँ पर मैं इसको इस हिसाब से चलाऊंगा कि वो अभी तो आपको लग रहा है। यहाँ पर आप इसको कलर भी दे सकते हैं, थोड़ा स्टाइलिश भी कर सकते हैं, लेट्स वो इस तरह कर सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं। मैं इस तरह बना के देख लेता हूँ। अब आपके सामने दो बॉक्सेस आ जाएंगे, एक ये बॉक्स आ गया है और एक ये बॉक्स आ गया। अब आप इसको अपनी मर्जी से यहाँ पर छोटा भी कर सकते हैं, इन से थोड़ा सा डिफरेंस रख के आपने बनाना है। उसके बाद यहाँ पर समरी आपने वो लिखनी है जो आपका पैशन है। आप वो समरी नहीं लिखेंगे कि जो आपको रटी रटाई एक नेट से मिलती है या वट एवर, यू नो, आप उस तरह की समरी नहीं लिखेंगे। आप अपने पैशन के बारे में गूगल से फाइंड कर लेंगे और आप वही समरी लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं एक टीचर हूँ, तो मैंने अपने टीचिंग के हवाले से ही मैंने लिखा है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ और नॉलेज के साथ आई वुड लाइक टू ब्रिंग अ मेजर चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। अब यहाँ पर मैंने ये बात की कि मेरे पास जो नॉलेज है और जो एजुकेशन मैंने हासिल की है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अपना एक नया जो है वो थीम क्रिएट कर दूँ। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या आप इसको सिंपल जितना जो पहले लेआउट था हमारा, इस डिज़ाइन को चेंज करने के बाद आप नॉर्मल वाला कर देते हैं, ये वाला। इसको भी मैं आपको बाद में बता दूंगा कि आपने इसको किस तरह सेट करना है, ये इतना मुश्किल नहीं है। कंट्रोल बी कर देते हैं और उसके बाद अगेन देखते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं और इसको भी हम कैपिटल कर देते हैं। कैपिटल करने के बाद एक्सपीरियंस जो है वो अब आपको किस किस चीज़ का है ये अब आपने मेंशन करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिल्कुल फ्रेश लिख सकते हैं, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी न किसी के पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर होता है, चाहे वो इंटर्नशिप का हो, आप इंटर्नशिप का भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। अब चूंकि मैं पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और ऑलरेडी मेरे पास इसके अलावा भी एक्सपीरियंस है, तो मैं सबसे पहले जो करंट होता है, जो आप जहाँ जो आप कर रहे होते हैं, आपको सबसे पहले वो वाला लिखना होता है, उसके बाद फिर आपने दूसरे वाले लिखने होते हैं। यहाँ पर मैं इस यूनिवर्सिटी का लोगो लगा देता हूँ, इट्स मीन मैं यहाँ पर करंटली पढ़ा रहा हूँ, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, बजाय कि इसको इतना लिखने के। मैं आपको इसको समझा दूँगा कि मैंने यहाँ से इसको क्या क्या उठाया है और इसको किस ना मैंने यहाँ से लिया है। ये देखेंगे आप, इधर आ जाते हैं। सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस है कि जी मैं एज अ लेक्चरार जो है वो सुपेरियर यूनिवर्सिटी सिटी कैंपस में पढ़ा रहा हूँ, नवंबर 2020 से मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी तक पढ़ा रहा हूँ, टू डेट तक, टिल डेट तक। उसके बाद मैंने मेंशन की यहाँ पर मेरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं एज अ लेक्चरार। तो मैंने बताया कि मैं इस्लामिक स्टडी एसोसिएट डिग्री को और BS प्रोग्राम को अरबिक वगैरह पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ ड्यूटी हैं एज अ क्लब एडवाइज़र, वो मैंने मेंशन कर दी है कि क्लब एडवाइज़र की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। आपके पास भी जो आपके पास अहदा रहा है आप ज़रूर बताएं कि मैं इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ लास्ट इतने ईयर से, और उस
जो मेरी कैटेगरी है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो एज आ वट एवर जो भी हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप जो हैं वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप वट एवर जो भी हैं, आप वहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आपने क्या करना है, एक और टैब के साथ, टैब की मदद से आपने एक और उसमें बना लेना है। फिर आप सेकेंड हम यहाँ पे ऑप्शन करते हैं, ये यूनिक का लोगो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इसके ऊपर मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ यूनिक। यहाँ पर इसका लोगो हम पेस्ट करते हैं, इस लोगो को यहाँ पे मैं फिट कर देता हूँ। उससे ये होता है कि पता लग जाता है कि ये किस जगह पे काम करता रहा। यूनिक में मैं क्या करता रहा हूँ, मैं उसकी ये वर्क वगैरह ये सारा कुछ इसका मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसको लिख के रखा हुआ है सिर्फ आपके लिए, और अगर दोबारा इसको लिखूँगा तो ये मेरे लिए मे भी। सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस रखते हैं कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। कुछ लोग जो है वो ये भी कर देते हैं कि डायरेक्ट जो है वो अपनी एजुकेशन के बारे में बताने लग पड़ते हैं। मेरा ख्याल से जब भी आप किसी जगह जाते हैं तो जाहिर बात है आप एजुकेशन हैं तो आपने उस एलिजिबल हैं तो आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, अदरवाइज तो आप अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि उससे ज़रूरी ये है कि आप वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस मेंशन करें। एक्सपीरियंस आपका मेंशन हो गया, मैंने यहाँ पे बताया कि मैं एज ए लेक्चरार यहाँ पे पढ़ाता रहा हूँ, मेरी वहाँ पर एज ए इंचार्ज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी ये मैंने यहाँ पर मैंशन कर दी। उसके बाद मैंने इसको भी फिनिश कर दिया, टैब लगाया, नेक्स्ट मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया, मैं इसको ऐड नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ से एजुकेशन को उठा लेता हूँ कि मेरे पास अब मेरी एजुकेशन क्या है। कुछ लोग एजुकेशन को पहले रख लेते हैं, डजेंट मैटर, मैं पहले नहीं रखता। मेरी फिलॉसफी ये नहीं है, मेरी फिलॉसफी ये है कि उनको आपके पढ़ाई से ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस का उनको थोड़ा सा होता है कि एक्सपीरियंस इस बंदे के पास क्या है। तो मेरा ख्याल है कि अपना टाइम वेस्ट करना इसमें कि जी मेरे पास फलां फलां डिग्री हैं, उससे बेटर ये है कि आप ये कर दें। उसके बाद ये मेरा एजुकेशन करियर है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं सेम एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये मैंने आपको बताया कि ये आपने किस तरह करना है, ये इतना बड़ा कोई भी काम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने पहले अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है वो हमेशा मैंने आपको बताया हम ऊपर रखेंगे, बाकी जो है वो इसी तरह फर्दर नीचे आती जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना अगर कंप्यूटर के स्किल्स हैं तो ये छोटी छोटी पिक्चर्स आप देख रहे हैं इसी तरह आप इसको लगा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये देखें सेम एज इट इज़ आपने इसको लिखते जाना है हैंडमेड। ये मैंने तीनों लगा दिए कि मेरी गुड कमांड है, मैं सोफिस के ऊपर मैं इसके ऊपर उर्दू इंग्लिश अरबिक सारी कंपोजिंग कर सकता हूँ। मैं जो है वो शीट्स बना सकता हूँ, अटेंडेंस शीट हो, मार्कशीट हो, कोई सैलरी शीट हो, वट एवर। फिर इन पेज उर्दू है इसको भी आप लिखें, अगर आपको कोरल ड्रॉ आता है, पीएस आता है, इसी तरह अगर आपको विंडोज़ के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में आता है। ये मेरा चैनल है जो मैंने चला रहा हूँ और मैंने इसके बारे में बताया कि मैं इस चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरी सर्टिफिकेशन है तो मैंने सर्टिफिकेशन लिख दी है, मेरी पब्लिकेशन है वो मैंने पब्लिकेशन लिख दी है। उसके बाद एक्स्ट्रा अदर स्किल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर मैंशन कर दी हैं। तो ये इंतहाई सिंपल है सीवी बनाना। मैं आपको अगेन दोबारा समझा देता हूँ लास्ट सेशन। सबसे पहले तो आपने अपनी तस्वीर, कोशिश करें कि एक अच्छी सी तस्वीर आप लगाएं, और उसके बाद अब ये जो चीज़ है इसकी अब हम सेटिंग कर लेते हैं। इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ और इसको यहाँ से इसके साथ जोड़ देता हूँ ताकि मेरी जो सीवी है वो पूरे पेज के ऊपर आए। ये लोगो जो है वो थोड़ा छोटा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये जब प्रिंट आए इसका तो वो प्रिंट सही नज़र आए। इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं हम, यहाँ पर ये सेंट्रलाइज हो गया, और इसको भी यहाँ से आप सेंट्रलाइज कर दें ये चीज़। अब यहाँ पर ये देखें ये डब्बे जो हैं वो बड़े अजीब से लग रहे हैं। अब अगर हम इन बॉक्सेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यूँ करें कि इनको सबको ख़त्म करने की बजाय आप इसकी जो टॉप वाली है वो ख़त्म कर दें। लेट्स सपोज अब आप ये देखें ये टॉप वाली इसकी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये बॉक्सेस बिल्कुल ही नज़र ना आए तो आप इनको जाके यहाँ से बिल्कुल आप रिमूव कर सकते हैं, बॉक्सेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपकी सिर्फ खाली सीवी नज़र आएगी।
ये देखें, अगर आप इन बॉक्सेस के अंदर थोड़ा सा वो करना चाहते हैं, ज़रा डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ये इस टाइप के डिज़ाइंस हैं, आप इनको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह, जिस तरह भी आप इसको करना चाहें। लेट्स सपोज मुझे ये वाले कलर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैंने इनको ये कर दिया है, इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ वापस। यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ये आ जाएगी ब्लू लाइन्स, क्योंकि हमारा ब्लू थीम चल रहा है तो ये सारी लाइन्स उसमें आ जाएगी। अगर आप इसको ग्रीन करना चाहते हैं तो ये देखिए आप ग्रीन कर सकते हैं, जो भी आप इसका कलर देना चाहते हैं, आप जिस तरह भी इसको मैनेज करना चाहते हैं आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये हर किस्म की आपके पास ये रिज्यूम बन जाएगा। ब्लैक लाइन्स करनी है या बिल्कुल लाइन्स ख़त्म करनी है, आप बिल्कुल भी लाइन्स ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन लाइन्स रखेंगे तो वो ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो ये हमारा आज का रिज्यूम है, और ये मैंने आपको दोबारा अगेन बता दूं कि जो आपका एक्सपीरियंस है उसी की समरी आएगी, उसके बाद आपके एक्सपीरियंसेस आएंगे, फिर आप अपनी एजुकेशन लिख सकते हैं, या आप पहले अपनी एजुकेशन लिख सकते हैं, उसके बाद फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी पहले एजुकेशन आएगी और नीचे आपका फ्रेश आएगा, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट। आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, सिर्फ दो चीज़ें मेन होती हैं, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। कोई सिंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैरिड लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि जी मैं मैरिड हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सुन्नी हूँ, ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इस रिज्यूम में कोई भी इसका माने नहीं रखते हैं। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।